छत्तीसगढ़ प्रदेश में धमतरी जिले में ऐसा गांव है जहां की अनोखी परंपरा ही सबका ध्यान आकर्षित करती है। जहां देश भर में 31 अक्टूबर को लक्ष्मी पूजा और 1 नवंबर को गोवर्धन पूजा की जाएगी, वहीं धमतरी के बखावा के सेमरासी गांव में सप्ताह भर लक्ष्मी पूजा की जाएगी। दूसरे दिन 25 अक्टूबर यानी कि आज गोवर्धन पूजा धूमधाम से की जाएगी। पर्व के अवसर पर गाँव में विविध कार्यक्रम का भी आयोजन किया जा रहा है। सेमरासी गांव धमतरी जिला मुख्यालय से 35 किलोमीटर दूर है। यहां मान्यताओं के अनुसार दिवाली, हवेली, पोला और होली का त्योहार निर्धारित तिथि के एक सप्ताह भर पहले मनाया जाता है। ग्रामीणों ने बताया कि गांव के मुख्य चौक में स्थित श्री शिवदार देव भगवान की पूजा अर्चना कर दीपावली त्योहार का शुभारंभ किया गया। ये परंपरा पूर्वजों से चली आ रही है और जिसे आगे भी कायम रखा जाएगा। उन्होंने बताया कि ग्राम देवता शिवदार ने गांव में खुशहाली के लिए स्वप्न में दर्शन देकर सारे पर्व 7 दिन पहले मनाने के लिए कहा। इसके बाद से ही दीपावली, होली, पोला और हवेली जैसे पर्व तय तारीख से एक सप्ताह पहले मनाते आ रहे हैं। हजारों सालों पहले गांव के बाहर एक बुजुर्ग आकर रहने लगे थे जिनका नाम शिवदार था। उनकी चमत्कारिक शक्तियों और बातों से गांव के लोगों की परेशानियां दूर होती थी। इससे उनके प्रति लोगों की आस्था और विश्वास गहराने लगे। लोग उन्हें पूर्वज मानकर पूजने लगे और तब से गांव में हर शुभ काम में उनकी पूजा की जाती है। ये पूर्वजों से चली आ रही परंपरा है जिसको हम युवा पीढ़ी इसको आगे बढ़ा रहे हैं। ये ना बहुत पुराना कथा है। ये गोलझरा गांव में कोई राजा रहता था, वहां से घोड़ा में सवार होकर ये अपना करबिन सेमरा गांव बोलते थे पहले, यहाँ आया। फिर यहाँ वो ना शांत हो गए। यहीं के शांत होने के बाद यहाँ के गांव के बुजुर्ग लोग को सपना आया कि मेरे को मानो करके। फिर वहीं से ना ये सब चीज त्योहार पहले मानना एक सप्ताह वहीं से चालू हुआ। बहुत पहले से हमारा पता नहीं है ज्यादा दिन के, अब हम ना आते कर पहले एक माना थे, अब मतलब पता नहीं कब के माना थे। हरेली, पोरा, दीपावली और फागुन एक पीछे कारण अब कुछ भी होते ना तो एक भगवान जी का प्रार्थना करते तो स्वीकार करते।